वेलकम योर ट्यूटोरियल्स दोस्तों। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा समरी ऑफ द बजट है दोस्तों। तो इसमें पूरी हम समरी देखेंगे दोस्तों। इसमें सिर्फ हम समरी ऑफ द बजट पूरा हम बनाएंगे जो कि फरवरी में हर साल लागू होता है। तो इस बार का जो बजट है दोस्तों, क्योंकि हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो हम लोग का बजट डिटेल से एक दो क्वेश्चन तो जरूर ही आ सकते हैं दोस्तों कि ये अगर लागू हुआ तो क्या एस्पेक्ट हो सकता है, या फिर मेंस और प्री दोनों में ही इससे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। हम लोग बिना टाइम गंवाए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में देखेंगे दोस्तों, कहीं मत जाइएगा बिकॉज यूनियन बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखते हैं 2021 बजट प्रपोज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इन फेब्रुअरी 1, एंड सिंस द बजट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है रिड्यूस एंड फ्रॉम नॉमिनल GDP 22% करोड़ टू, मतलब जो रिड्यूस हुआ नॉमिनल GDP 22.4 करोड़ टू 19.4 करोड़। द रिडक्शन इन साइज ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू द स्लो डाउन इन रेवेन्यू ग्रोथ कम हो गया है, एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ इन 2020 ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक फिस्कल डिफ्लिक्ट फॉर द एस्टिमेटेड 6.8% ऑफ GDP। तो अब बात करते हैं हाईलाइट्स में। तो देर आर सिक्स मेन सपोर्ट्स ऑफ द यूनियन बजट। छह मेन सपोर्ट इनका है, हेल्थ वेलबींग, फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एस्पिरेशन ऑफ इंडिया, एंड रिगोरोटिंग इनोवेशन एंड RD मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। टैक्स डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो रिड्यूस टैक्स डिस्प्यूट्स एंड सेटलमेंट एंड प्रोड्यूसर एट अ टाइम लिमिट री ओपनिंग केसेज हैव बिन रिड्यूस एंड 6 ईयर्स एंड 3 ईयर्स इन सीरियस टैक्स इवेशंस केसेस देर आर एविडेंस हाइड रुपीज इनकम्स एंड रिसर्चेस 5 मिलियन मोर इन 1 ईयर कैन बी रीओपेंड एंड 10 ईयर विद इन द अप्रूव बाय द चीफ कमिश्नर। एक्सपेंडिटर डेफिनेट की बात करें तो एस्टिमेटेड दैट रुपीज एक्सपेंडिटर इज फॉर 2021 इंक्लूड 348.03 बिलियन रुपी एंड इंक्लूडिंग रुपी कैपिटल एक्सपेंडिटर 5.5 बिलियन कैरेट्स एंड रेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर। द फिस्कल डिफ्लिक्ट की बात करें तो 6.8% ऑफ GDP। गोल्ड की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंजेस कमीशन जो कि सेबी है, कैपिटल मार्केट विल बी डिजाइनेटेड एज रेगुलर ऑफ रेगुलेटर विल बी डिजाइनेटेड एज रेगुलेटर ऑफ गोल्ड एक्सचेंज। डिजिटल इकोनॉमी एंड जो इंकरेजिंग डिजिटल इकोनॉमी द टर्न ओवर सीलिंग फॉर टैक्स ऑडिट्स एंड इंक्रीज 100 मिलियन रुपीज एंड 50 मिलियन रुपीज एरियोज यूरोज इंटाइटल दैट एक्सक्यूट 95% ऑफ ट्रांजेक्शन डिजिटली, मतलब जो हमारा ट्रांजेक्शन है 95% डिजिटली होगा। आप कैशलेस इंडिया जब आप जानते हैं। लेबर वेलफेयर की बात करें तो एम्प्लॉयर ऑफ एरिया इज ड्यू टू सेल नॉट बी डिटेक्टेड एम्प्लॉय, मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट में कमी नहीं होगी। स्टार्टअप कंपनी द एलिजिबिलिटी फॉर द टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप्स इज एक्सटेंडेड एंड अनदर ईयर द टैक्स एग्जेम्प्टेड पीरियड ऑफ कैपिटल गेन्स इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एक्सटेंडेड इन मार्च 31, 2020। कस्टम्स की ड्यूटी की बात करें तो टैरिफ ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स इंक्रीज 0 to 2.5% टैरिफ ऑन नॉन अलॉय एंड अलॉयस स्टेनलेस स्टील। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्लैट प्रोडक्ट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट आर रिड्यूस्ड एंड 75% ऑफ मार्च 31 एंड कस्टम्स एंड लेविड टैरिफ एंड स्टील क्रैप्स द बेसिक टैरिफ, जिसको द बेसिक टैरिफ की बात करें तो कैप्रोलेक्टम नायलॉन सीड्स नायलॉन फाइबर यार्न रिड्यूस 5.2%। द टनल बोरिंग मशीन्स विल बी नाउ लिव्ड 7.5% टैरिफ फॉर द पार्ट। द टैरिफ ऑन कॉटन वॉज रेज्ड फ्रॉम 0 to 10% एंड रॉ सिल्क एंड स्पून सिल्क वॉज रेज्ड फ्रॉम 10 to 15%। डिस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टार्टिंग ऑन अप्रैल सेल ऑफ शेयर्स एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल रेज 7.5 बिलियन रुपीज एंड इंक्लूडिंग 2 PSU बैंक्स एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर में देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जिसकी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं,
जो कि 64.8 करोड़ इन 6 ईयर, एंड एडिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन अ न्यू सेंटर स्पॉन्सरशिप विल बी लॉन्च एंड 350 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन। तो अर्बन डेवलपमेंट जल जीवन मिशन विल बी लॉन्च और अर्बन एरिया एमिंग टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन एंड 2.86 मिलियन हाउस होल्ड स्वच्छ भारत मिशन एंड विद द एक्सपेंडिटर 14.1 करोड़ रुपीज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेट्रो सिस्टम। टू न्यू मेट्रो टेक्नोलॉजीज एंड मेट्रो न्यू मेट्रोलाइट और मेट्रो न्यू हुआ जो कि प्रीफिक्स सेकेंडरी सिटीज ऑफ प्राइमरी। व्हीकल्स की बात करें तो स्क्रैप पॉलिसी इलिमिनेट ओल्ड एंड यूज कार्स फॉर प्राइवेट कार्स ऑल व्हीकल्स मस्ट बी ऑल कार फिटनेस एंड ऑटोमोबाइल्स ऑल कार मस्ट बी टेस्टेड फॉर फिटनेस एंड ऑटोमोबाइल्स मतलब ये फिटनेस होने चाहिए 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कॉमर्शियल व्हीकल्स फिटनेस टेस्ट मस्ट बी ऑल व्हीकल 15 ईयर कॉमर्शियल की 15 ईयर और अगर पर्सनल है तो 20 ईयर दोस्तों। सो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इन 5 ईयर द PLI प्रोजेक्ट प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड 13 इंडस्ट्रीज अनाउंस एंड 19.7 बिलियन क्रोनर क्रीट एंड कल्टिवेट आत्मनिर्भर भारत मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन। अकॉर्डिंग टू द मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो 7 टेक्सटाइल पार्क विल बी इस्टेब्लिश इन 3 ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एलोकेट $200 बिलियन इस्टेब्लिश एंड कैपिटलाइज डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग प्रोवाइडर फैसिलेटर एंड कैटालिसिस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। रेलवे की बात करें तो रेलवे को कितना 1,10,055 करोड़ बाद एलोकेटेड फॉर विच 107 मिलियन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड 2000 द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ रेलवे कंपनीज इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्गो एंड अदर पैसेंजर कार मिसलिनियस आइटम्स इस समय होगा टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.17 बिलियन कंपेयर्ड विथ RS 1.46 बिलियन 2021 मतलब कि इन दोनों को इस्टीमेट किया गया है। अब ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात करें तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च होगा ग्रीन एनर्जी के में जो कि यूज ग्रीन पावर सोर्स ऑफ प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इंश्योरेंस की स्कीम की बात करें तो इंक्रीज परमिटेड लिमिट इंश्योरेंस कंपनीज एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड 49-74% अलाउ फॉरेन हैव ओनरशिप एंड कंट्रोल। बैंकिंग की बात करें तो इम्फेसिस ऑफ असेसमेंट डिस्पोजल ऑफ द एस्टेब्लिश्ड एंड एसेट रिस्ट्रक्चरिंग लिमिटेड कंपनीज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। सो आगे बात करते हैं कंपनी मैटर्स की बात करें तो बाय अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज 2013 द पेड कैपिटल्स एंड होल्ड स्मॉल कंपनीज हैव बीन रेज फ्रॉम नो मोर देन RS द लोवेस्ट देयर फॉर रिड्यूसिंग कंपनीज रिक्वायरमेंट स्मॉल कंपनीज नो मोर देन 2 करोड़ एंड नॉट एक्सीडिंग रुपीज टर्नओवर 2 करोड़ वाज चेंज नॉट एक्सीडिंग रुपीज। सीनियर सिटीजन की बात करें तो रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन टैक्स डिक्लेरेशन सिटीजन हु इज 75% ओल्ड ओनली हैव द पेंशन एंड इंटरेस्टेड इनकम पे टैक्स डिडक्टेड बाय द बैंक मतलब जो 75% से हैं उनको पेंशन होल्डर कहा गया है। तो सीनियर सिटीजन हो चुका है तो R&D डिपार्टमेंट की बात करें तो इन नेक्स्ट 5 ईयर 500 बिलियन रुपीज़ विल बी स्पेंड इन इस्टेब्लिश द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द फाउंडेशन एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू फंड रिसर्च इन मल्टीपल डिसप्लिनस एंड ड्रैगिंग साइंस टेक्नोलॉजी टू ह्यूमनिटीज। अब एजुकेशन लेजिस्लेशन की बात करें तो द लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस विल इस्टेब्लिश इंडिया एंड हायर एजुकेशन कमीशंस अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन विल फोर इंडिपेंडेंट टूल्स स्टैंडर्ड सेटिंग एंड सर्टिफिकेशन सुपरविजन एंड फंडिंग। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट वाज रेज 7.1 और 16.5 बिलियन कॉर्नर इन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया तो प्रोवाइडेंट फंड की बात करें तो इनकम पेड बाय द प्रोवाइडेंट फंड एक्सीडेड 250 रुपीज पर ईयर एंड यूजुअली वॉलेंटियर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूनियन बजट तो व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग 2021 यूनियन बजट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सम कमोडिटीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज हैव बिकम ब्राइट स्पॉट कोविड 19 पैंडमिक।
AIDC की बात करें तो अप्लाई फ्यू प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन एंड प्रोडक्ट विल बी ब्रिंग एडिशन बर्डन एंड कंज्यूमर्स. AIDC वाज अनाउंस बिकॉज द अर्जेंट नीड ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट एंड इफेक्टिवली प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यूनियन बजट इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस पर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों. तो व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग 2021 यूनियन बजट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टैक्स फॉर सम कमोडिटीज अनाउंस. AIDC विल प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें AIDC भी पूछ सकता है. अप्लाइड फ्यू प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट नॉट ब्रिंग एडिशन बर्डन ऑफ कंज्यूमर्स. AIDC वाज अनाउंस बिकॉज द अर्जेंट नीड ऑफ इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोडक्ट मोर प्रोडक्ट एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड टैक्स सिस्टम ऑल्सो इंश्योर इन इंक्रीज. सो बात करते हैं यूनियन फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस प्रपोजेज टू AIDC वेरियस कम्युनिटीज फॉलो द प्राइसेज एंड गैसोलिन्स 2.5 रुपीज पर लीटर, 4 पर लीटर ऑफ डीजल एंड 5% गोल्ड बार्स सिल्वर बार्स एंड कॉपर, 100% ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज एंड 5% ऑफ क्रूड पाम एंड सोयाबीन फ्लावर एंड 35% एप्पल कोल लिग्नाइट्स एंड पीनट, 5% ऑफ एंड फर्टिलाइजर्स एंड 30% ऑफ काबुली चना लेंटिल्स अनाउंस एंड 20% ऑफ बंगाल चिकपीस एंड पीज अकाउंट टू 40% अनकार्डेड कॉटन अकाउंट्स फॉर 5%. सो द कंजप्शन टैक्स गैसोलिन एंड डीजल विल नॉट इम्पोज एनी एडिशनल बर्डन कंज्यूमर्स बिकॉज नॉन ब्रेडेड गैसोलिन. द कंजप्शन टैक्स ऑन द गैसोलिन एंड डीजल विल बी नॉट इम्पोज एनी एडिशनल बर्डन ऑन कंज्यूमर्स बिकॉज नॉट ब्रांडेड गैसोलिन प्रीवियसली अट्रैक्टेड एंड 2.98 स्पेशल एडिशन कंजप्शन एंड टैक्स पर लीटर. तो नाउ BD CD की बात करते हैं, ड्रॉप 1.5 रुपीज एंड लीटर रिस्पेक्टिवली. नेट कंज्यूमर विल नॉट पे एनी एडिशन फीस एंड सिमिलरली चेंज फॉर एल्कोहलिक बेवरेज 150% BED एंड नाउ रिड्यूस 50%. द प्रपोज AIDC वाज 100% एंड इम्पोज एडिशनल बर्डन ऑफ कंज्यूमर्स. स्टेट इमरजेंसी अनाउंस इन म्यांमार, दोस्तों इसमें बात करते हैं. तो म्यांमार मिलिट्री हैज़ टेकन कंट्रोल ओवर द जो स्टेट इमरजेंसी हुआ तो क्या हुआ, म्यांमार मिलिट्री हैज़ टेकन कंट्रोल ओवर द कंट्री एंड डिक्लेयर्ड स्टेट इमरजेंसी फॉर एडिशनल स्टेट काउंसलर अंग सू कई एंड अदर गवर्नमेंट लीडर वी आर ऑल्सो डिटेन. तो यहाँ पे आर्टिकल 14 जो इम्पोर्टेंट है वही बात करेंगे. गिव्स द आर्मी टू पावर टू टेक इमरजेंसी सिचुएशन जो कि म्यांमार 2018 में हुआ था. तो मिलिट्री हाईलाइट दैट इन नवंबर 2020 इलेक्शंस एंड ये सारी चीज़ें जो वहाँ के इलेक्शंस की कुछ मैटर थे जहाँ पे वहाँ पे आर्मी सस्टेनेबल हो गया. हमने आर्टिकल देखा है तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल पढ़ा था हम लोगों ने, 417 तो अब यहाँ पे नेपच्यून डिक्लेरेशन मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया. तो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अर्जेस द गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन नेपच्यून डिक्लेरेशन सी फेयर्स. ये क्या है अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं. क्यू चेंज इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट इंडिया मैरीटाइम विजन 2030. सो इसमें बात करते हैं दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया विल फॉर्मुलेट इंडिया मैरीटाइम विजन 2030. इन्होंने चुनाया इंडिया मैरीटाइम विजन 2030. नेपच्यून डिक्लेरेशन वॉज साइन 450 एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन इम्फेसाइज मेन एक्शन नीडेड टू कोविड एंड क्रू चेंज क्राइसिस सो लेड बाई ह्यूमटलिज्म. सो बात करते हैं मैरीटाइम यूनियन बजट. ओल्डेस्ट ओशियन ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेड मर्चेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड द ऑफिसर्स बिलोंग टू द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन एंड अप्रॉक्सीमेटली 700 यूनियन रिप्रेजेंटेटिव 4.5 ट्रांसपोर्टेशन वर्कर एंड 150 कंट्रीज. ऑफिसेज आल्सो अफिलेटेड विथ हिंद मजदूर सभा इन न्यू दिल्ली. तो द मेन पर्पज इसका है ऑफिस वर्क टू वर्क हार्ड एंड मेम्बर इंश्योर टू फेयरनेस, मतलब बिना डरे हुए आप वर्कर वेज कंडीशन एंड ब्रांचेज ऑफ कोलकाता चंडीगढ़ चेन्नई विशाखापट्टनम तुतीकोरिन एंड द ऑफिसेज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ द
इंटरनेशनल रेगुलेशन सच है 2000 मेरी टाइम लेबर कन्वेंशनल। अब बात करते हैं हाईलाइट ऑफ पटचित्र आर्ट। तो पटचित्र आर्ट से रिलेटेड दोस्तों पूछा जा सकता है, तो पटचित्र आर्ट क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजिस गर्ल नेम भाग्यश्री जो कि उड़ीसा की है, मनी मांकी बात में इन्होंने हाईलाइट किया है। तो इन्होंने पटचित्र आर्ट की तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल एंड ड्यूरिंग द लॉक ऑफ क्रिएट पटचित्र आर्ट एंड बॉटल लाइट बल्ब्स एंड ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। तो टर्म ऑफ पटचित्र इज ऑफन यूज टू ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है। द आर्ट फ्रॉम बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। द आर्ट फ्रॉम फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट डिटेल मैथेटिकल नरेटिव्स एंड फॉक टेल्स। क्या क्या बताता है? इंट्रिकेट डिटेल्स मैथेटिकल नरेटिव्स एंड फॉक टेल्स। दिस इज ऑल्सो एंशियंट आर्ट ऑफ उड़ीसा मेड फॉर वर्शिपर्स एंड पिलग्रिम्स गोइंग टू टेम्पल। सो एंशियंट की बात करें, देयर आर फॉर्म एंड एंशियंट बंगाली नरेटिव द वर्ड पट्टा लिटरेसी मीन्स क्लॉथ एंड चित्रा मीन्स पिक्चर या संस्कृत। द कलर ऑन द पेंटिंग नेचुरल एंड दिस आर पेंटिंग टू मेड बाय द चित्रकार इन उड़ीसा एंशियंट ट्रेडिशनल वे की बात। पेंटिंग डन ऑफ द कैनवास इंक्लूडिंग रिच कलर एप्लीकेशन एंड पैटर्न्स एंड मैथोलॉजी एंड स्ट्रॉन्गली इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ एंड वैष्णव स्कूल्स। द थीम ऑफ ओडिया पेंटिंग ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द लॉर्ड जगन्नाथ जो कि वैष्णव सेक्ट के हैं। तो थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग आर माइथ एंड रिलीजन स्टोरीज एंड कंप्लीटेड एंड पेंटिंग रोल्स ऑफ द गॉडेस एंड पेंटिंग स्टाइल ऑफ द कॉम्बो फोक क्लासिकल एलिमेंट्स। ड्रेस स्टाइल हैज़ बीन इन्फ्लुएंस ऑन द मुगल पेंटिंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मीडिया। पट्टचित्र पेंटिंग ऑफ उड़ीसा डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज नेमली पेंटिंग ऑन द क्लॉथ एंड मूरल पेंटिंग एंड भट्टी चित्रा एंड पाम लीफ पेंटिंग। ये सारी चीज़ें जिसको टाला चित्रा बोलते हैं, मतलब कि नेमली पेंटिंग ऑन द क्लॉथ, पट्टचित्रा, मूरल पेंटिंग, भट्टी चित्रा, पाम लीफ पेंटिंग एंड ताला चित्रा इसको बोलते हैं। तो जब क्लॉथ पे होगा तो पत्र चित्र बोलेंगे, मूरल पेंटिंग भट्टी चित्र बोलेंगे और पाम लीफ पर होगा तो उसे ताला चित्र बोलेंगे। तो पटचित्र जियोग्राफिकली इंडिकेटर आर रजिस्टर डिफरेंट एंड दीज आर वर्ल्ड स्टेट एंड पेंटिंग स्टाइल पैटर्न। सो अकॉर्डिंग टू द उड़ीसा पटचित्र पेंटिंग इज उड़ीसा एंड डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, ये तो पता ही है। पटचित्र जो जियोग्राफिकली इंडिकेटर्स हैं आर रजिस्टर्ड एंड डिफरेंट इन दिस टू स्टेट ऑफ बिकॉज पेंटिंग स्टाइल एंड पैटर्न ऑफ द टू स्टेट डिफरेंट। पटचित्र उड़ीसा इज रजिस्टर्ड एज उड़ीसा पटचित्र एंड वेस्ट बंगाल एंड रजिस्टर्ड एज पटचित्र ऑफ बांग्लादेश। दलाई लामा लॉन्च लिटिल बुक, इन्होंने एक लिटिल बुक लॉन्च किया दलाई लामा ने जो कि इसका नाम है कंटेंट 130 क्वेश्चंस जो किया गया है तिब्बत रिलीज न्यू बुक लिटिल बुक ऑफ इनक्रेजमेंट इन्होंने किया है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया, दलाई लामा से पूछा जा सकता है चाइना इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में जिसमें बताए हैं कैन नॉट डिस्ट्रॉय अनदर मस्ट बी लिव साइड एंड तिब्बत इश्यूज़ के बारे में इन्होंने बताया उसमें एंड द तिब्बतियन पीपल अवार्डेड लिटिल दलाई लामा टू चीफ स्पिरिचुअल लीडर गेलग्यू और येलो हाइट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। तेंजिन कैस्टू 14 दलाई लामा एंड ही दलाई लामा प्रेजेंटेड। अब इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज लॉन्च, ये पंजाब में हुआ था। अब इसका क्या एस्पेक्ट है ये देखना मतलब काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन इन्होंने चलाया है। टास्क पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड हाउस होल्ड बाय द मार्च 100% टैप वाटर इन्होंने क्या है आइसोलेटेड ह्यूज सरफेस ऑफ वाटर सप्लाई कवर 85% विलेजेस मोगा रीजन एंड 144 वाटर सप्लाई प्लांस 172 विलेजेस। इट आल्सो इंक्लूड 121 आर्सेनिक एंड आयरन रिमूवल डिवाइस। अब हाईलाइट्स की बात करते हैं तो प्लान विल बी बेनिफिट्स 160 रेसिडेंट फ्रॉम द 150 विलेजेस एंड आत्मनिर्भर तरतरन एंड गुत्सर। दिस विल हेल्प टू रिप्लेस ग्राउंड वाटर विद सरफेस वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर इज सीक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अदर द हैबिटेट प्रॉब्लम अफेक्टेड आर्सेनिक। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक नाबार्ड एंड जल जीवन मिशन ऑफ द नेशनल बजट। द गवर्नमेंट स्पेंडेड एवरेज 9.2 बिलियन
रुपीज़ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन ईच ईयर कितना इतना खर्च करता है। अकॉर्डिंग टू डाटा टोटल आरियस 14.5 बिलियन हैज बीन स्पेंड रूरल सैनिटेशन रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इतना हर साल खर्च होता है 14.5 बिलियन रुपीज़। तो मल्टी विलेज सर्फेस वाटर सप्लाई प्लान गवर्नमेंट हैज़ आल्सो लॉन्च 10 न्यूज लार्ज सर्फेस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट कास्ट कितना है, 1,020 करोड़ रुपए हैं एंड कवर 1,018 विलेजेस एंड वाटर अफेक्टेड एरिया पतलाई फतेहगढ़ साहिब अमृतसर एंड गुरुद्वारा एंड यहाँ यहाँ पर कवर होगा। तो जल जीवन मिशन ऑफ इंडिया वाज लॉन्च ऑन August 15, 2019 एम टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर एंड स्ट्राइव ऑफ प्रोवाइड टैप वाटर इन इंडिविजुअल हाउसिंग रूरल इंडिया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों, तो लोग देखते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज शेड्यूल टू द हेल्ड ऑफ February 4। द इंटरनेशनल ह्यूमन डे एम टू एम्फिसाइज ऑफ द रेजिंग अवेयरनेस एंड डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन बिलीव द प्रोमोटिंग टॉलरेंस। इट ऑल्सो एम टू एजुकेट पीपल अबाउट टॉलरेंस एंड डाइवर्स ट्रेडिशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रेटर्निटी। द थीम ऑफ दिस ईयर 2021 इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी डे इज द पथवे ऑफ फ्यूचर। इट ऑल्सो एम टू एजुकेट पीपल अबाउट टॉलरेंस डाइवर्जेंस ट्रेडिशनल, ये सारी चीज़ें। दस द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी डे इज पर द पथवे ऑफ द फ्यूचर, इसका जो थीम था। 2021 यूनाइटेड नेशन असेंबली पास्ट अ रिसोल्यूशन प्रोक्लेमेशन एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी डे बिगिनिंग 2021 एंड दिस डे विल बी कमेमोरेटेड एवरी ईयर। दोस्तों आई होप कि इतना काफ़ी हो गया होगा दोस्तों, तो शायद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।